नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद्या एकेडमी पर। मैं योगेश कुमार आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद आशा करता हूं कि आप सभी लोग कैसे होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और बेहतर की तलाश कर रहे होंगे, और ये तलाश आपकी विद्या एकेडमी परिवार ही पूरी कर सकता है। चलिए तो जुड़े रहिए आप, और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक आप अवश्य कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन आप जरूर ऑन कर लें। तो देखिए, आज हम महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ये वो नियुक्तियां होंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली हैं आपकी। चलिए, आज का मोटिवेशनल कोट आप सभी लोगों के लिए, जो आपको क्या है, ऊर्जावान बनाए रखेगा कि कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता है, हारा वही जो लक्ष्य के लिए लड़ा ही नहीं। आप ये बात याद रखें कि आपने जो लक्ष्य डिसाइड किया है वो कभी भी आपको हमेशा डिमोटिवेट नहीं करेगा, आपको आगे की ओर प्रेरित करेगा। हमेशा आगे की ओर प्रेरित करें और आप किसी भी डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं, चाहे आपका लक्ष्य छोटा हो चाहे बड़ा हो। केवल आपका मानसिक रूप से उसके लिए तैयार होना काफी महत्वपूर्ण होता है आपका। चलिए तो देखते हैं सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सीआईएसएफ के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं राजविंदर सिंह भट्टी को नियुक्त किया गया है। दलजीत सिंह चौधरी की बात करेंगे हम। दलजीत सिंह चौधरी जो है आपके अभी बीएसएफ के नए महानिदेशक बने हैं आपके। उसके बाद नीना सिंह सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक थी। राहुल रस्कोत्रा जो है आईटीबीपी के महानिदेशक हैं वर्तमान में आपके। चलिए हम सीआईएसएफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि सीआईएसएफ की स्थापना कब की गई। तो सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। देखिए, यह एक अर्धसैनिक बल है और जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, जितने भी आपके कारखाने होंगे सरकारी और अन्य सरकारी जो उपक्रम होंगे उनकी सुरक्षा प्रदान करना सीआईएसएफ फोर्स का क्या है, मुख्य कार्य है आपका। इसका गठन देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत 10 मार्च 1969 को किया गया था, इसीलिए हम 10 मार्च को सीआईएसएफ दिवस मनाते हैं। आदर्श वाक्य आपको जरूर याद रखना है इसका, संरक्षण और सुरक्षा जो है सीआईएसएफ का क्या है, आदर्श वाक्य है आपका। यह देश भर में स्थित औद्योगिक इकाइयों, सरकारी अवसंरचनाओं, परियोजनाओं तथा अन्य प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। कौन? सीआईएसएफ आपका। अब बात कर लेते हैं कुछ महानिदेशक जो अभी रिसेंटली बनाए गए हैं आपके। बीएसएफ के नए महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी बने आपके। एनएससी के नए महानिदेशक बने हैं आपके बी श्रीनिवास। एनएससी के अगर पूछेगा पूर्व महानिदेशक कौन थे तो नलिन प्रभात थे, जिनकी जगह इन्होंने ये स्थान ग्रहण किया है। सीआईएसएफ के महानिदेशक राजविंदर सिंह चौधरी होंगे, किसकी जगह बनी है, नीना सिंह की जगह बनी है। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक अनीस दयाल सिंह जी हैं। आईटीबीपी के नए महासचिव श्री राहुल लस्कोत्रा जी हैं। आरपीएफ के नए महासचिव मनोज यादव हैं आपके। एनडीआरएफ के नए महासचिव पीयूष आनंद जी हैं और बीआरओ के नए महासचिव रघु श्रीनिवास है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि जो मैं छोटी छोटी वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ कैसी लग रही है। यदि आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट में आप जरूर लिखेंगे और आगे भी मैं इस श्रृंखला को जारी रखूंगा। चाहे लक्ष्य कितना भी छोटा हो बड़ा हो, लेकिन आपको कभी भी लक्ष्य के प्रति क्या है, लापरवाही नहीं बरतनी है। हमेशा ईमानदारी के साथ आप लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे तो जरूर आप सफलता प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।